चुनाव हराकर प्रभु श्रीराम ने भाजपा को दिया मथुरा चलने का संदेश, महंत राजूदास। मोदी योगी सरकार ने देश के धार्मिक स्थलों का किया कायाकल्प, महंत राजूदास महाराज। सपा और बसपा सरकार में होती थी एक कौम और एक मजहब की बात, महंत राजूदास। हाथरस कांड के लिए जिम्मेदार बाबा के खिलाफ चले योगी का बुलडोजर, महंत राजूदास। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि अयोध्या से तपोभूमि चित्रकूट आए हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास महाराज ने मनोकामनाओं के पूरक भगवान श्री कामतनाथ जी के दर्शन और पूजन कर कामतगिरी पर्वत की परिक्रमा की। इस मौके पर महंत राजूदास ने धार्मिक स्थलों के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा, पूर्ववर्ती सरकारों में सिर्फ एक कौम और एक मजहब की बात होती थी, विकास के नाम पर सिर्फ मस्जिदों और मजारों की बाउंड्री बनाने का काम किया जाता है। उन्होंने हाथरस कांड के लिए सूट बूट वाले बाबा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि ऐसे ढोंगी बाबाओं के लिए योगी का बुलडोजर चलना चाहिए। लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिली हार पर महंत ने कहा कि प्रभु श्रीराम ने संदेश दिया है कि अब अयोध्या का काम पूरा हुआ, मथुरा चलने की बारी है। राम राम सीताराम, राम राम सीताराम, राम राम सीताराम। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज लगातार प्रयास करके मोदी जी के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पूर्ववर्ती सरकारें किस प्रकार से लाठी मारना, जेल में डालना, तमाम प्रकार से हम लोग अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा में 3 महीने जेल में थे। और मैं आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। सभी धार्मिक स्थल प्रयास करके, लोगों को मना कर, लोगों को मैनेज करके, प्रशासन के लोगों ने प्रयास करके सभी तीर्थस्थलों को डेवलप कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। नहीं तो होता था एक कौम एक मजहब एक संप्रदाय की बात होती थी। उत्तर प्रदेश भ्रष्ट प्रदेश कहा जाता था, दंगा प्रदेश कहा जाता था। आए दिन गुंडा माफिया मवाली बहन बेटियों की इज्जत लूटा करते थे, व्यापारियों को उठा लेते थे और धनार्जन के लिए क्या क्या नहीं करते थे। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार बनी है, तब से लगातार प्रयास करके सारे गुंडा माफिया या तो जेल में या तो सीधे प्रभु के मेल में, बाकी कोई खेल नहीं। प्रज अभी आपने कहा जो है कि विकास हो रहे हैं, लेकिन अयोध्या में ही जो अयोध्या जो विकास हुआ उस पर इसी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे राम राम राम, कोई सवाल नहीं खड़े। 38,000 करोड़ मैं पूछना चाहता हूँ, जो सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने कभी सवाल पूछा जब 38 वर्ष भगवान राम टेंट में थे, भोग नहीं लगते थे, त्रिपाल 9 साल हम लोग मुकदमा लड़े सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर त्रिपाल बदलने का आदेश आया। साल में एक बार भगवान का वस्त्र रामनवमी के दिन परिवर्तन चेंज होता था, किसी ने सवाल पूछा? आज जो लोग सवाल पूछते हैं उनसे मेरा सवाल है, ठीक है राम जन्मभूमि में मुकदमे थे, लेकिन क्या एयरपोर्ट पे मुकदमा था? क्या रेलवे स्टेशन पे मुकदमा था? क्या बस अड्डे पे मुकदमा था? क्या अयोध्या सौंदर्यीकरण पे मुकदमा था? क्या अयोध्या रोड चौड़ीकरण पे मुकदमे थे? इस पे तो मुकदमे नहीं थे। इस पे सरकारों ने क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं बजट दिया, क्यों नहीं प्रयास किया कि अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करे, अयोध्या के सर्वांगीण विकास करे? क्या करते थे? मजारों का बाउंड्री बाल। और अगर संघ विचार परिवार के किसी ने आवाज़ उठाई तो या तो सोटा या तो जेल। आभार व्यक्त करता हूँ, आप 38,000 करोड़ का बजट देकर जिस प्रकार से अयोध्या का विकास डेवलप हो रहा है, जिसका हम प्रशंसा करते हैं, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को साधुवाद। जस्ट वन टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता। हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, होनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ। जस्ट वन टेलीकॉम, हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।